हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि मनु किचन्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटे से पनीर मसाले के रेसिपी। पनीर तो आप हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से बना करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। और जो बच्चे आपके पनीर नहीं खाते हैं, वो भी कटोरी भर भर के खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस टेस्टी चटपटी मसालेदार सी रेसिपी का। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए 200 ग्राम मैंने पनीर लिया था। तो अब सबसे पहले पनीर के हम पीसेस कट करेंगे। छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे। पनीर के हमने पीसेस कट कर लिए हैं और ये देखिए छोटे छोटे क्यूब्स में पनीर को हमने कट किया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। सभी पनीर के ऊपर अच्छे से मसालों को कोट कर देंगे। सभी पनीर के ऊपर हमने मसालों को अच्छे से कोट कर दिया है। तो चलते हैं हम गैस की तरफ। अब पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़े चम्मच भर के ऑयल। ऑयल हमने थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि पनीर को हम फ्राई करने वाले हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें अब हम पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे। और अब पनीर को हम 3 से 4 मिनट के लिए अलटाते पलटाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। 4 मिनट हो चुका है, पनीर भी हमारा एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है। और जब आप पनीर को फ्राई करें तो गैस का फ्लेम लो ही रखें, लो फ्लेम पे ही आपको इसे फ्राई करना है। निकाल करके प्लेट में रख लेंगे। अब सेम उसी पैन में ऑयल मैंने पहले ही डाल दिया था, तो एक्स्ट्रा ऑयल हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 10 से 12 मैंने लहसुन की कली ली है, तो उन्हें भी डाल देंगे। 2 इंच अदरक लिया था, अदरक को छील करके टुकड़ों में कट करके लिया है, उसे भी डाल देंगे। 3 मैंने प्याज ली थी, रफली चॉप करके लिया है, तो उसे भी ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो इसकी जगह पे सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उन्हें भी रफली चॉप करके लिया है, तो उन्हें भी ऐड कर देंगे। और अब प्याज टमाटर लहसुन अदरक मिर्ची को हम हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 2 मिनट के लिए इसे हम कवर करके पकाएंगे। 2 मिनट हो चुका है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। बस आपको इन्हें इतना ही कुक करना है। तो अब गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। ये सभी चीज़ें हमारी एकदम अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। जार लिया है, तो इसमें डाल देंगे इन सभी चीज़ों को। और इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया है, तब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे हमने पैन रखा है, 3 टेबल स्पून ऑयल और डालेंगे। थोड़ा सा इसमें दालचीनी ऐड कर रही हूँ। 2 तेज पत्ते डालेंगे। 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच सौंफ ऐड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे सब्जी में। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, और ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब 1 सेकंड के लिए जीरा और खड़े मसालों को अच्छे से भुनने देंगे। जीरा और मसाला हमारे भुन चुके हैं, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार किया है। थोड़ा सा बाउल में हमने पानी ऐड किया है, तो उसे भी ऐड कर देंगे मसाले के साथ में। मसाले को एक बार अच्छे से चला देंगे। सभी मसालों को हमने पहले ही भून करके ले लिया था, तो इसे हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही लगातार चलाते हुए पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये मैंने कलर वाली मिर्ची का यूज़ किया है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच पनीर मसाला डालेंगे। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। और अब मसालों को हम तब तक भुनेंगे जब तक कि मसालों में से तेल रिलीज़ नहीं होने लगता। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, और ये देखिए मसाले में से सब तरफ से तेल रिलीज़ हो चुका है। एक बार वापस से चला देंगे मसाले को। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। पनीर की ग्रेवी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं पानी की क्वांटिटी। और अब ग्रेवी को हम 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे।
चार मिनट हो चुका है और ये ग्रेवी भी हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है, तब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ पनीर। पनीर को भी मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पनीर डालने के बाद सब्जी को आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है वरना पनीर आपके टाइट हो जाएंगे। तो हम पनीर डालने के बाद सिर्फ एक से डेढ़ मिनट के लिए ही पकाएंगे सब्जी को। डेढ़ मिनट हो चुका है और ये सब्जी हमारी एकदम तैयार है और ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये देखने में। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और अपनी सब्जी को सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी चटपटे से पनीर मसाला हमारे तैयार है और इतनी टेस्टी सब्जी बन करके तैयार हुई है कि आप इसे बिना रोटी बिना पराठे के सादा ही खा जाएंगे। बनाना भी बहुत ही आसान है, तो एक बार आप मेरे तरीके से पनीर बनाकर जरूर देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही और बेल आइकन दी हुई है उसे ज़रूर दबाएँ जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।